बोलिए पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज, संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज, पावपणासन मंगलानं च सर्वेषिं परम वै मंगलं मंगलानं च सर्वेषिं परम वै धम्मो मंगलं कीर्तनं अहिंसा संयम तवो देवावितम नम शांति जसदमेशमण जहाँ दुम सपुफेशु वमरो अभियस नय पुफम किलामे सोय पीणे अपय ए मे समण मुता जे लोए शांति साऊण विहंगमुफेशु दान भत्ते शणेरया वयंच वित्तिम लभम प्रणय कोई उमी आहा गणे सूर्यंते कुफे शुभम राजा मोहगार सम बुद्धा जे भवंती अणिशिया नाना पिंडर यादंता तेण बुच्छंती श्री महावीर शासन की सदा जय हो सदा। श्री महावीर शासन की सदा जय हो सदा। चतुर्विध तीर्थ तारण की सदा जय हो सदा जय हो। चतुर्विध तीर्थ तारण की सदा जय हो सदा। श्री महावीर शासन की सदा जय हो सदा। विमल है वीर का शासन भानुवत भ्रांति तम नाशन। विमल है वीर का शासन भानुवत भ्रांति तम नाशन। अलौकिक आत्म अर्पण की सदा जय हो सदा। अलौकिक आत्म अर्पण की सदा जय हो।
चतुर्विध तीर्थ तारण की सदा जय हो, सदा शांति की जो तमन्ना है तो वीर शासन को अपना लो। शांति की जो तमन्ना है तो वीर शासन को अपना, सौख्यमय मुक्त जीवन की सदा जय हो, सदा सौख्यमय मुक्त जीवन की सदा जय हो, सदा चतुर्विध तीर्थ तारण की सदा जय हो, सदा श्री महावीर शासन की सदा जय हो। आज 8 जुलाई का दिवस हमारे लिए, गुरु निहाल परिवार के लिए और देश भर में हजारों परिवारों और लाखों लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। 1971 में आराध्य गुरुदेव महान तपस्वी श्री सुमति प्रकाश जी महाराज सामने इसी दिन को आई मिल तपस्या को प्रारंभ किया, जो कि सिर्फ 2 महीने के लिए प्रारंभ किया था। किसी सन्यासी ने ये बतलाता 2 महीने आग्रह थाइमिल करेंगे और मैं अपनी तरफ से दवाई देता हूँ और ये दोनों चीज़ों का समागम होगा तो आपके जीवन में वो तकलीफ परेशानी सब दूर हो जाएगी। तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी और आइमिल करने की प्रेरणा दी। वो इतने झटपट में इधर उधर हो गए कुछ पता नहीं लगा। जब गुरुदेव मेरठ के अंदर आए तो गुरु महाराज से कहा, वो कौन था उसने आइमिल के लिए किया और क्या आइमिल करना जरूरी है, क्या कोई भी कह दे तो इस तरह से किया जा सकता है? तो गुरु महाराज ने कहा, कोई भी हो, हम जानते हो ना जानते हो, साधु हो या सन्यासी हो, अगर कोई हमारे हित के लिए कहता है, हमारे उपकार के लिए कहता है, हमारे प्रति सद्भावना रख करके कहता है तो कोई भी कहे, इसके ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर हो सकता है, अगर तुम्हारे को ऐसी सूचना मिली है तो जरूर तुम आंगिल कर लो, अगर हो सकता है तो कर लेना चाहिए। और कौन था, क्या था, किसने कहा, क्यों कहा, इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव ने आंगिल शुरू किया। ठीक 2 महीने जिस समय आंगिल हुए, 2 महीने जिस समय ठीक आइमिल हुए नमकार मंत्र के जाप के साथ, तो जैसे जाप में ध्यान में बैठे थे तो 2 महीना 2.5 महीना पहले जो सन्यासी इनको रास्ते में मिला था और जिसने वो दवाई दी थी वो प्रत्यक्ष में वहाँ पर जाप करते करते 2 महीना आइमिल होने के बाद जाप करके सोए तो उनको दिखाई दिए और बड़े प्रसन्न। उन्होंने कहा, मुनिराज तुमने हमारी बात को माना, 2 महीने का आपने आइंगिल किया और ये समझ लो तुम्हारी तकलीफ हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। आपने बहुत अच्छा किया, 2 महीने आइंगिल किए, अब तो ये समझ लो 14 वर्ष तक अगर 14 तुम्हारे को अगर मौत के मुंह में भी ले जा करके कोई डाल दे तो तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। बहुत अच्छा किया आपने, जैसे आंखें खुली तो कुछ भी नहीं। थोड़ी देर नमकार मंत्र को पढ़ा, फिर गुरुदेव के पास आए। गुरु महाराज ऐसी बात हुई, उन्होंने कहा चलो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे शंकाओं का समाधान हो गया ना, जो 2 महीने किसी ने बोला था उसने आकर के 2 महीना होने के बाद सब कर दिया। तो ये महापुरुषों की कृपा होती है, देवात्माओं की कृपा होती है, कोई जो पुण्यवानी होती है तब जाकर के इस तरह का सहयोग मिलता है।
गुरुदेव ने सुबरे होते होते ये विचार किया और गुरु महाराज को कहा, गुरुदेव मुझे 14 साल के एकांतर आयमिल का पचखान करा दो। उनका सुमत 14 साल तुम्हारे से तकलीफ होती है, 2 महीना तुमने कर लिया। नहीं गुरुदेव, मैंने सोच लिया है 14 वर्ष के लिए एकांतर आयमिल तपस्या का पचखान करा दो। उन्हें कहा क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा 14 वर्ष तक तुम्हारे को मौत के मुंह में भी कोई धकल दे तब बाल बांका नहीं होगा, जब उनकी कृपा है 14 वर्ष उनके मुंह से निकले तो 14 साल के लिए मैं एकांतर आयमिल तपस्या की आराधना करता हूँ। क्षत्रिय हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ है। 14 साल हो गए तो फिर 21 साल का किया, 21 साल हो गए तो 31 साल का किया, 31 साल हो गए तो 41 साल का किया और 50 वर्ष तक आपने आयमिल एकांतर तपस्या की आराधना। तो ये दिवस हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। हमेशा इस 8 जुलाई से पहले आराध्य गुरुदेव 125,000 नमकार मंत्र का जाप करते रहे, 2-2 महीने की तपस्या करते रहे, मौन रख करके तपस्या करते रहे और इस मंगल पाठ को सुनने के लिए हजारों हजारों लोग आते थे और कहीं भी कोई भी इंतजाम किया, कितना ही बड़ा स्टेडियम इंतजाम किया लेकिन हमेशा मंगल पाठ के अंदर छोटा पड़ गया। तो ये 8 जुलाई का मंगल पाठ तो आराध्य गुरुदेव का पूरे देश के लोग लाखों लाखों लोग याद करते हैं। तो अब आराध्य गुरुदेव की स्थिति अलग है, अभी हमने ही मना किया भाई आपने तपस्या वगैरह नहीं करना क्योंकि आपका शरीर जो बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपने बहुत किया तो गुरुदेव उनकी कृपा दृष्टि उनका आशीर्वाद है। तो आज जो है हम लोग सामूहिक रूप से 125,000 जो है नमकार मंत्र के एक पद की आराधना कर रहे हैं। हमारे मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब की भावना थी, चलो गुरुदेव तो उस हिसाब से नहीं कर सकते तो हम सामूहिक रूप से नमकार मंत्र का 125,000 करते हैं। और 2 दिन पहले आप लोगों को सूचना दी, 2 दिन पहले वो समाचार सर्कुलेट किया और आज आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर के इस 125,000 के जाप के अनुष्ठान के अंदर भाग ले रहे हैं। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी गुरु भक्ति, आपका समर्पण और आप लोग उन चारों दादा गुरुओं के प्रति इतना समर्पण भाव रखते हैं उसी का परिणाम है 1 दिन के समाचार में आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। हर परिवार को, हर व्यक्ति को, आप सभी भ्राश्रावक श्राविकाओं को हम तहदील से गुरुदेव की तरफ से मंगल कामनाएं देते हैं, सद्भावनाएं देते हैं। आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार में सुख शांति का आनंद का मंगल वातावरण रहे, आपका कारोबार हमेशा आगे से आगे बढ़ता रहे, दुख तकलीफ आपके पास से दूर हों, ऐसी हम हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं करते हैं। आज के 125,000 के जाप को और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे हमारे नेपाल केसरी और मानव मिलन के संस्थापक डॉक्टर मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब आगे का कार्यक्रम संचालित करेंगे और आज का विशेष रूप से 125,000 के जाप का आयोजन है और आप लोग आए, आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। अब मैं महाराज श्री से प्रार्थना करता हूँ आगे का कार्यक्रम आप संचालित करें। जसा धम्मे सयामणो
दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है, क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी के धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते, इतिहास अनंत अनंत उपकारी। त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रवण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं मंचासीन श्रवण संघ के भीष्म पितामह राजऋषि तपस्वी रत्न श्रवण संघीय सलाहकार पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज, नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनिजी महाराज साहब, उपप्रवर्तक श्री अभिषेक मुनिजी महाराज के चरणों में वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज प्रिय श्रोताजन, आज हम सब लोग हमारे आराध्य देव गुरु निहाल परिवार के अनुशासता भीष्म पितामह श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के इस तप प्रारंभ दिवस पर सम्मिलित हैं। इस विषय में थोड़ा आपके समक्ष अपने कुछ विचार रखेंगे, उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे यही वरदान दो, मुझे यही वरदान, मेरी आत्मा बलवान हो। भगवन तेरी आराधना, भगवन मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आ नहीं, मुझे सुख की कोई परवाह, दुख में भी निकले आ नहीं, बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा ध्यान हो, होठों पे तेरा नाम हो। भगवन तेरी आराधन, भगवन तेरी आराधना। आराध्य गुरुदेव, वर्ष में 5 विशेष महामंगल पाठ प्रदान करते हैं,
और वो विशेष जो मंगल पाठ होता है वो वैसे उस दिन हम सब लोगों को एक आयोजन करके मंगल पाठ को नहीं दिया जाता था। उस मंगल पाठ से पूर्व लंबी तपस्या और 1.25 लाख का जाप करने के बाद मौन सहित जाप, फिर उस मौन का पारना मंगल पाठ के द्वारा हुआ करता था। और उन पांचों मंगल पाठ में सबसे बड़ा मंगल पाठ के रूप में, जिसमें अत्यधिक भीड़ होती थी, अत्यधिक जनसमूह आराध्य गुरुदेव के चरणों में मंगल पाठ श्रवण करने के लिए आता था, वो ये 8 जुलाई का दिन। हमने बड़े चमत्कार देखे हैं जब इस 8 जुलाई के मंगल पाठ को गुरुदेव प्रदान करते थे। दो तो हमने ऐसे केस देखे जिसमें शरीर में लकवा हो रखा था, लकवा ठीक होने की घटना तो हमने स्वयं अपने आँखों से देखी। नासिक के संगमनेर और केरल के कोची शहर की एक महिला जिसका संपूर्ण शरीर लकवे से ग्रस्त था, हम लोग यात्रा करते हुए आराध्य गुरुदेव के सानिध्य में अन्नकुमारी कोची होते हुए कोयम्बतूर की तरफ आ रहे थे, तब बीच में एक जगह पर गुरुदेव का तेला और तेले के साथ साथ में मंगल पाठ का दिन था, कोई विशेष आयोजन नहीं, हम अपने साधु संत ही उस मंगल पाठ को श्रवण किया करते थे। जब कोची के एक श्रावक को पता चला तो वो 20-30 लोगों को लेकर के आए और आकर के उनमें उनकी एक बहू थी, क्योंकि वो बेंगलोर के निवासी थे तो आराध्य गुरुदेव का अम्बिल की तपस्या चल रही थी। मैं अम्बिल लेने के लिए चला गया तो एक जवान महिला कुर्सी पे बैठी है, सिर्फ देख सकती है और कुछ उसका हलचल नहीं देखा। तो हमने पूछा ये आहार वगैरह क्यों नहीं बह रहा रही, तब उसने कहा कि गुरुदेव ये पूरा शरीर इनका लकवे से ग्रस्त है। तो बंधु हमारे मन में भी एक पीड़ा हुई, दया आई और आई गई बात हो गई। तो जब गुरुदेव का अप्रैल का मंगल पाठ था, उस अप्रैल के मंगल पाठ को सुनने के लिए उस महिला को भी लेकर के उसके ससुर आए और गाड़ी में उन्होंने रखा, बिल्कुल सामने गाड़ी लेकर के आए और गुरुदेव का मौन सहित मंगल पाठ और मौन का पारना करते हुए मंगल पाठ संपन्न हुआ। ये अप्रैल की बात है। जब हम चेन्नई की ओर जा रहे थे तो कांजीवरम में 8 जुलाई का महामंगल पाठ आराध्य गुरुदेव का हुआ और वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। और कार्यक्रम के बाद एक महिला बड़ी भागी भागी आई और हमको वंदना करते हुए कहती है कि भीड़ इतनी थी, हम लोग भी देखते इतनी भीड़ों के बीच में अब किसको पहचाने किसको नहीं। उसने आके पूछा कि महाराज आपने हमको पहचाना, तो हर व्यक्ति पूछता ही है, भले वो साधु को जाने या न जाने वो सोचता कि साधु को हमें ज़रूर जान लेना चाहिए। तो हमने कहा हाँ भाई देखा तो है कहीं, पर उसने कहा कि नहीं महाराज आपने देखा जरूर होगा पर वो पहचाना नहीं। मैंने कहा थोड़ा परिचय और दे दो, तो उसने जब परिचय दिया कि कोची से आई हूँ और मैंने मन मन में संकल्प किया था कि अगर मेरा ये लकवा सही हो जाए ठीक हो जाए तो मैं 8 जुलाई का मंगल पाठ गुरुदेव का कहीं भी क्यों ना हो वहाँ श्रवण करने के लिए पहुँचूंगी, एक संकल्प किया और वो धीरे धीरे ठीक हो गई। ये कोई बहुत पुरानी कहानियाँ नहीं, ये हमने स्वयं अपने आँखों से देखी हुई बातें आपको बतला रहे हैं। तो ऐसा चमत्कार होता है, परंतु श्रद्धा तो आज हम लोगों को लगता है कोई चमत्कार हो जाए और चमत्कार के लिए हम कितना भटकते हैं, नहीं भटकते, कहाँ कहाँ जाते हैं हम लोग, सोचते हैं इसके पास होगा चमत्कार, उसके पास जाएंगे। कितने गुरुओं को हमने बदल दिया, एक गुरु पूर्ण नहीं हुए फिर दूसरे गुरु को ले लिया, तीसरा गुरु, न जाने कितने गुरु हमने क्या किया, स्वयं को नहीं गुरुओं को बदलते रहे। ज्ञानी पुरुष कहते हैं गुरुओं को बदलने से ज्ञान नहीं होता, स्वयं को बदलना पड़ता है। और स्वयं तो हम वैसे के वैसे रहने वाले, पर गुरुओं को बदलते हैं। और हम लोगों को लगता है गुरु भी कौन सा हो, मैं जिस गुरु को मानता हूँ वो संसार का सबसे बड़ा तपस्वी होना चाहिए, सबसे बड़ा ज्ञानी होना चाहिए, सबसे अच्छा साधक होना चाहिए। बस हमारा पहले ही मन में ये अहंकार होता है मेरा जो भी हो ना संसार में सबसे श्रेष्ठ हो, ये हमारी भावना होती है। इसी तरह एक आदमी के मन में भी आया
कि संसार में इतने लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इतने भगवान को मानते हैं, आखिर कोई ऐसा भगवान है जो संसार में सर्वशक्तिमान हो, सबसे शक्तिशाली भगवान कौन है? वो ढूंढने लगा और ढूंढते ढूंढते देखा कि जहाँ भी जाओ, जिस धर्म के घर में प्रवेश करो, वहाँ तो गणपति के फोटो लटक रहे थे। तो उसने सोचा कि गणपति संसार के सबसे बड़े शक्तिशाली देवता हैं, भगवान। उन्होंने कहा कि भाई इनकी पूजा करो, इनकी पूजा करोगे तो हमारा मेरा कल्याण होगा। ऐसी भावना से उसने बहुत बड़ा गणपति का एक फोटो बनाया और फोटो बना करके उसका मंदिर भी बनवा दिया और मंदिर बना करके बंदो उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। बड़ी भावना से किया उसने, क्योंकि मन में जिज्ञासा तो थी कि मुझे कुछ न कुछ चाहिए। और गणपति की पूजा करते करते एक महीना, दो महीना, तीन महीने, चार महीने हो गए, कुछ परिवर्तन। अब धीरे धीरे क्या करेगा, मन में से श्रद्धा कम होती है। अब जब श्रद्धा कम होती है ना, फिर हम बहाना ढूंढते हैं, कोई ऐसा एक बहाना मिल जाए जिससे कि वहाँ से श्रद्धा क्या करूँ, समाप्त करूँ। ये बहाने ढूंढने की हमारी ये परंपरा है, हमारी ये भावना होती है। और वो श्रद्धा कम करने की वो भावना मन में जरा सी आई होगी, इतनी देर को कोई एक महिला आई और उस महिला ने देखा गणपति की पूजा हो रही है, वहाँ पे लड्डू चढ़ा करके वो महिला चली गई। और थोड़ी देर के बाद देखता है एक चूहा आया और उस लड्डू को लेके चला गया। बस इतनी सी घटना पर्याप्त है श्रद्धा को समाप्त करने के लिए। उसने कहा यार, मैं जिस भगवान की पूजा करता हूँ, जिस देवता की आराधना करता हूँ, अपने एक लड्डू को ना बचा पाए, मेरे को क्या बचाएगा ये? इस गणपति से तो ताकतवर मुझे लगता है चूहा है, इस गणपति से शक्तिशाली चूहा है। उसने गणपति का फोटो वहां से हटाया और एक चूहा ला करके उसने क्या कर दिया, पालतू बनाया और उसकी पूजा करता है। प्रतिदिन पूजा कर रहा था, करते करते दो तीन महीने हो गए, चूहे को इतना अच्छे से भोजन मिलता था, मोटा ताजा हुआ। और एक दिन देखा पड़ोसी का बिल्ली जो है, इस चूहे की बड़ी पूजा होती है, मोटा ताजा चूहा है, पड़ोसी की बिल्ली को भूख लगी थी, उसने आकर चूहे को क्या कर लिया, झपट्टा मारा। तो सोचने लगा, मैं सोचता था चूहा बड़ा शक्तिशाली, चूहे से शक्तिशाली तो कौन है, ये कहानी किसकी है? आप उस व्यक्ति की मत समझ रहे, हम सबकी कहानी है ये। कोई भी साधु संत कहानी सुनाता है, आप ये समझ लेना ये कहानी मेरी स्वयं की है, कहानी किसी दूसरे की समझ के मत सोचना। जो भी सत्संगी प्रवचन में कहानियां आती हैं नितांत रूप में, वो हमारे जीवन की घटनाएं होती। अब उसने सोचा, अरे चूहे से शक्तिशाली तो कौन है, बिल्ली है। उसने बिल्ली की पूजा शुरू कर दी। अब बिल्ली की पूजा शुरू होते होते दो चार महीने हुए होंगे, तब तक देखा है पड़ोस में कुत्ता था, चूहे बिल्ली का तो क्या होता है, और हो सकता है वो घटना जैन नगर की क्यों ना, इसलिए चूहे के कुत्तों की संख्या बहुत थी। तो कुत्ते ने देखा इसकी बड़ी पूजा होती है, एक दिन गुस्सा आया उसको, उसने कुएं को क्या कहे, चूहे को, उसने बिल्ली को झपट्टा मार लिया। और उस आदमी ने इस घटने को देखा, बोले नहीं यार, ये बिल्ली से शक्तिशाली तो कौन है, कुत्ता है। उसके बाद कुत्ते की हर घर में पूजा होनी शुरू हुई। और मैं भी देखता हूँ यहाँ जो कुत्ते घूमते हैं ना, और आप लोग बड़े दयालु हैं और उन कुत्तों को बड़े अच्छे से भोजन करवाते हो, और भोजन करवाते हो वहाँ तक तो बहुत अच्छा है, परंतु हमारे को कभी ये विवेक नहीं होता। मैंने दो तीन दिन पहले घटना देखी, उधर से कोई डबल रोटी लाया और डबल रोटी ला करके उन कुत्तों को दिया, और इतना बड़ा जो लिफाफा था ठीक गेट के आगे फेंक के चल दिया। ये हमारी सभ्यता है, सोचता तो मैं बहुत अच्छा कुत्तों को भोजन करवा रहा हूँ, तू जो लिफाफा लेके आया था, जो पॉलिथीन लेके आया था, तू जेब में डाल के डस्टबिन में डाल दो। इतना तो हमारे को विवेक नहीं। हम धार्मिक होना और दिखना चाहते, होना नहीं चाहते, दिखना चाहते, अरे उस डस्टबिन में ले जा करके डाल दिया होता, एक हमारी सभ्यता होती, वहीं इतना बड़ा क्या कर दिया, डाल दिया। और आप भी कभी भोजन डालो, चींटियों का आटा डालो, सड़क के बीच में नहीं, किनारे में डालना। आप सड़क के बीच में बड़े दानी बन करके आप चींटियों को आटा डालते हो, चीनी डालते हो, थोड़ी देर के बाद हजारों की संख्या में चींटियां आती हैं और उसके ऊपर गाड़ियां चलती हैं, उनकी जो हत्या होती है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप ये पहले सोचो, जिसको आप कर जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें कहीं अहित तो नहीं होने वाला है, जिसके मैं इनकी हित की बात कर रहा हूँ, हित में कहीं अहित छुपा हुआ तो नहीं है, ये सारी बातें हमें सोचनी होती है। तो ये बात तो खैर दूसरे विषय चला गया। और कुत्ते की पूजा क्या हो गई, रोज कुत्ते की पूजा हो रही थी, कुत्ते की पूजा होते होते एक दिन
और कुत्ता, क्योंकि कुत्ते को कहीं आने जाने का रोक टोक नहीं था, किचन में भी आराम से घुस जाता था, रसोई में भी घूमता था, और उसके घरवाली बड़ी परेशान थी। इन्होंने कुत्ते को इतना स्थिर चढ़ा रखा, परंतु मानने को राजी नहीं। संसार का सबसे शक्तिशाली आत्मा कुत्ता है, ये इसके मन में क्या हो गया, घर घर दिमाग में बात आ गई। और कुत्ते की पूजा हो रही थी, एक दिन तो उस महिला ने अच्छे से दूध ला के गर्म करके तो ठंडा कर रही थी, दूध के ऊपर मलाई लगी और वो कुत्ते ने क्या कर दिया, मलाई को चाटना शुरू किया, मलाई में मुंह मार दिया। उसके घरवाली को इतना गुस्सा आया, बाजू में चिमटा था, चिमटा उठा करके घरवाली ने उसको जोरदार प्रहार किया, तो कुत्ता कुई कुई करता हुआ क्या हो गया, घर से भाग गया। ये घटना आदमी देख रहा था। उसके बाद उसके मन में क्या भाव आया, तो दुनिया भर में मैं भटकता रहा, मेरी घरवाली से शक्तिशाली संसार में कोई ही नहीं, बस सुधी देवी को क्या करो। घरवाली के प्रति उसकी इतनी श्रद्धा बन गई, उसने कोई अच्छे से कवि के पास चला गया, उन्होंने कहा कि मेरी घरवाली की तुम क्या कर दो, चालीसा बनवा दो। पत्नी चालीसा प्रतिदिन गाता है, पत्नी चालीसा गाते गाते उसकी खूब पूजा करता, एक डेढ़ घंटा घरवाली की पूजा कर रहा है। पूजा करते करते बंदो कुछ महीने गुजर गए और घरवाली की भी सोच, घरवाली के मन में भी भाव आए, मेरे बगैर इनका काम चलने वाला, तो एक दिन उसके मन में भाव आया परीक्षा ले लूँ। वो बाहर चली गई, आदमी सोचने लगा 8 बज गए 8:30 बज गए 9 बज गए, मुझे भोजन करके नाश्ता करके ऑफिस में जाना है, समय बहुत हो गया, कहाँ चली गई घरवाली। और बंदो वो इंतजार कर रहा था, जब तक उसकी पूजा न हो तब तक भोजन कर भी नहीं सकता, और बंदो ढूंढ वो इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद देखता है 9:30 बजे मटकती हुई क्या कर रही है, मटकते मटकते जब आ रही है, उसका वो मटका देख कर ही उसके दिमाग में क्या हो गया, गर्म हो ही रहा था। और घरवाली जब आई, उसने कहा कि जब तुमको पता है मैं तुम्हारी पूजा किए बगैर, तुम्हारी स्तुति गाए बगैर और तुम्हारे को भोजन करवाए बगैर मैं कहीं कुछ काम करता नहीं और मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, तो घरवाली थोड़ा सा क्या हो गई, मजा किया लहजे में बोली, आज अगर वैसे चले जाते तो क्या फ़र्क पड़ता, कुछ इस ढंग से उसने बोला। उसको इतना गुस्सा आया, उसने एक उठा करके घरवाली को क्या कर दिया, महिलाएं सारे चुप हो गए, अब नहीं हंस रही, पहले हंस रही थी ये लोग, अब भी हंस लो ना। पति ने जोरदार थप्पड़ क्या कर उसके गाल में दे दिया और घरवाली जमीन पे क्या हो गई, घरवाली जमीन पे गिरी। घरवाली के गिरते इस घटना को देख करके सोचने के लिए मजबूर हो गया। वो सोचने लगा संसार में सबसे शक्तिशाली कौन है, ये है। आप लोग को ये कहानी बड़े मनोरंजन के रूप में आप लोग ने लिया, भटको आप, आपके मन में जिज्ञासा हो जाए शक्तिशाली है कौन। आज तो हमने दूसरों में शक्तियां ढूंढते रहे, मेरी आत्मा से ज्यादा शक्ति संसार में किसी के पास नहीं, भले वो कुएं कुत्ते की पूजा करे, चूहे की पूजा करे, किसी की भी पूजा करे, लौटना पड़ेगा स्वयं के पास। और बंद तब उस व्यक्ति को ज्ञान हुआ कि संसार में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई, बंद इसी तरह का ज्ञान हमको भी क्या हो जाए। पर आज हम क्या करते हैं, फलाने गुरुजी, फलाने महाराज जी, ये तीर्थ स्थल, फलाना मनोकामना स्थल, न जाने कहाँ कहाँ भटकोगे तुम लोग, कितना कमजोर बनाया है तुमने। तुम अपने आप को अच्छा क्यों नहीं बनाना चाहते, हमेशा तुम औरों की पूजा करते रहोगे। जिस व्यक्ति की तुम पूजा करते हो ना, उसकी आत्मा में और हमारी आत्मा में कहीं कोई फर्क नहीं है, तुम्हारे अंदर भी शक्ति है, तुम क्यों ना वैसा बनना चाहते, ये नहीं हम लोग चाहते, बनने की कोशिश करो। भगवान कहते हैं और तुम्हारे मन में जो श्रद्धा आएगी ना, इसलिए कहा ना श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा परम दुर्लभ, तो ऐसी श्रद्धा जो शाश्वत श्रद्धा है बंधु, सत्य की धरा का सत्य से जन्मने वाली जो श्रद्धा है उसको सम्यक श्रद्धा कहा गया है। तो हम संसार में कितना ही भटके, जहां कहीं भी आप भटकोगे, आप भी भटक रहे हैं, कभी यहाँ भटकते हैं, कभी वहाँ भटकते हैं, कहाँ कुछ मिलता है वहाँ चले जाते हैं, कहीं भी तुम चले जाओगे, जब तक तुम स्वयं में नहीं लौटोगे तुम्हारे दुख दर्द कम होने वाले
कोई ऐसा चमत्कार नहीं है कि बंधु तुम्हें ऐसा लगे कि कोई भी व्यक्ति आशीर्वाद दे और तुम्हारा चमत्कार, तुम्हारे सारी संसार की समस्याएं समाप्त हो। और बंधु इस तरह से हम लगे हुए हैं आखिर अपने ही धर्म पर, अपने ही विरासत में मिले हुए महामंत्र पर, अपने गुरुओं पर जिसने श्रद्धा रखी उसको भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं अभी कह रहा था हमारे आराध्य गुरुदेव श्रवण संघ के भीष्म पिता राज ऋषि पूज्य गुरुदेव जब आप महामंगल पाठ देते थे बंधु, वैसे सही नहीं, आयोजन के हिसाब से नहीं, वो आयोजन तो बन गया था। शुरू में दो चार दस बीस लोग होते थे, धीरे 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 चमत्कार होता चला गया, साधना के साधना का और साधना का प्रभाव इतना बढ़ता चला गया कि बंधु ये बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे थे। ऐसा ही बंधु आज आराध्य गुरुदेव का महामंगल पाठ अभी हमारे आराध्य गुरुदेव वाचनाचार्य प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब ने फरमाया ही है। और हमारे उप्रवर्तक अभिषेक मुनि जी भी कह रहे थे आज की भीड़ को देख के लग रहा कि आज से चतुर्मास शुरू हो गया, आज से चतुर्मास। बंधु करना चाहो तो सब कुछ होता है, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात यह है हमारा जो समाज होता है, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे राष्ट्र हो, किसी भी देश का नेतृत्व में क्या होना चाहिए, थोड़ा सा एक ढंग आना चाहिए। नेतृत्व जोड़ने की कला आनी चाहिए नेतृत्व में। हम लोग जोड़ते हैं या तोड़ते हैं, दो ही तो कला है। आप जोड़ना चाहते हो तो बंधु जुड़ सकता है, तोड़ना चाहते हो। हर व्यक्ति को आपने क्या सोचा, ये भी मेरा दुश्मन है, वो भी मेरा दुश्मन है, ये भी मेरा दुश्मन, मानोगे तो दुश्मन होगा वो। नहीं तो हर व्यक्ति को जोड़ो ना, हर व्यक्ति अपना है, कौन है पराए। परंतु हमारा अहंकार, हमारा ईगो बंदो किसी के सामने झुकना नहीं देता। बंदो जब हमारे अंदर जो अहंकार बढ़ जाता है ना, फिर अहंकारी व्यक्ति झुकता नहीं, टूटता है, अस्तित्व समाप्त होता है। ऐसा अहंकार क्या करना, मत करना। कहीं कोई कुछ कर नहीं सकता है, हम सब हैं तो सब कुछ है, कोई एक व्यक्ति का भी कुछ है। अगर आदमी राष्ट्रपति से लेके चपरासी तक का काम स्वयं अकेला ही करने लगे वो सफल होगा? नहीं। हमारे तो ये सोचते हैं राष्ट्रपति का काम भी मैं करूं और चपरासी का काम भी क्या कर लूं। अरे सबको काम दे दो, सबको बांट दो। हर आदमी क्या है, काम करने के लिए मन में श्रद्धा रखता, भाव रखता है, तब जाके कार्यक्रम क्या होते हैं, सफल होते हैं। तो यही परिणाम है। तो बंधु हम प्रवचन में आ ही रहे थे, आते आते कमल ने आके कहा कि गुरुदेव कि 1.25 लाख का अगर जाप कर दिया जाए तो कैसा होगा। बस ये छोटी सी बात वो बोला और वो चल दिया। उसने एक बात ही उठाई और मैं अभिषेक मुनि जी महाराज के पास आया। मैंने कहा ये 8 बजे की बात है, मैं प्रवचन में 10 मिनट बचे थे तो मैंने उनसे पूछा कि इस तरह से हम आयोजन करते हैं। उनका ठीक है, शनिवार का दिन है, नमो लोहे सब, क्योंकि गुरुदेव तो 5 पदों का करते थे, नमो लोहे सब सावण का हम लोग जाप कर लेते हैं। बिल्कुल वहाँ से हमारी क्या हरी झंडी मिल गए। फिर वाचनाचार्य प्रवर को तो पाते में ही आकर के मैंने सूचना दी, आराध्य गुरुदेव ये भाव है, क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, अपनी बात रख दो, उसके बाद मैं क्या करूँगा, खुलासा कर दूंगा। उनका और आशीर्वाद मिला। और आज क्योंकि अच्छा काम, अच्छा लक्ष्य हो, कहीं कोई आप असफल नहीं होगे। जहां आपका स्वार्थ होता है ना, स्वार्थी व्यक्ति पग पग पर असफल होता है। निस्वार्थ भाव से कोई काम करो, कहीं आपकी असफलता नहीं होगी। तो वाचनाचार्य प्रवर ने आशीर्वाद दिया और आपने आशीर्वाद के साथ साथ में जो प्रेरणा दी है, तो आज आप लोग बहुत अच्छी संख्या में उपस्थित हुए। और वरुण देवता ने आपकी परीक्षा तो ली, सोचा कि ये जैन नगर वाले जब जरा सा बारिश हो जाए 5, 10, 15 आदमी आते थे। 3 दिन पहले ये घटना गई, 9 आदमी 24 महिलाएं, मैं गिन रहा था 9 आदमी और 24 महिलाएं। किसी ने आके बोला महाराज अगर बारिश हुई तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो चिंता मत कर, बड़ा प्रकाश है जैन गुरु निहाल दरबार में, चांदी की ऐसी चमक है कि हर आदमी क्या करेगा, आएगा। और आराध्य गुरुदेव के प्रति जिसकी श्रद्धा होगी ना, वो जरूर क्या करेगा, आएगा। और 2 दिन के अंदर जिस तरह का मेहनत किया है कि बंधु मैंने बात रखी, अरे बात रखते हमारे संघ के प्रधान ने क्या कर दिया, एकदम से सारी चीजें उन्होंने स्वीकार कर ली और देते ही उन्होंने संघ को दे दिया। 2-3 संघों का कहा आप ये काम कर लो, कहीं कोई मन में भाव नहीं। उन्होंने 1000 रुपये महिला संघ, मानव मिलन शांति संघ, सबको बोला कि तुम क्या कर लो, काम करो। और उन संस्थाओं ने क्या किया, फिर और संस्थाओं को जोड़ा। उन्होंने भी ये नहीं कि सिर्फ मैं क्या करूंगा, महिला संघ ने कहा तुम भी कम करो, तुम भी ये करो, उन्होंने भी जोड़ा। शांति संघ ने गुरु निहाल संघ, गुरु निहाल फाउंडेशन और गुरु सुमति विशाल
सेवा समिति से लेकर जितनी संस्थाएं थी उनको सबको जोड़ा, तो दो चार दिन के तीन दिन के अंदर ऐसा जैन नगर में माहौल बना कि बंधु वास्तव में ये क्या हुआ, ये दिन इतना अच्छा बन गया है। इसके लिए आप सब गुरुदेव का आशीर्वाद और आप सब लोगों का सहयोग के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो अब लगभग लोग पूरे आ गए हैं, तो वाचनाचार्य प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुंजी महाराज साहब का आदेश हुआ कि ये जाप हम लोग ने क्या करना है, सबने मिलके करना है। तो हम सामूहिक रूप में हम क्या करेंगे, जाप करेंगे। और ये जाप नम ओम ह्रीं नमो लोय सव श्रावणम जो आपको दिया जा चुका है, आप सब लोगों के पास पर्चियां हैं कि हमारी श्रद्धा हमारी भक्ति, और उसमें सिर्फ हम एक टक लगाकर हमारे आराध्य गुरुदेव जो गुरु निहाल परिवार के अनुशासता सामने विराजमान है, आपका सानिध्य हम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव के प्रति हमारी श्रद्धा रहेगी, गुरुदेव का स्मरण रहेगा। गुरुदेव तो अकेले ही सवा लाख का जाप करते थे, हम तो सब लोग मिलकर के इस जाप को क्या करेंगे, संपन्न करेंगे। तो इस जाप के लिए आप सब लोग अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, गर्दन सीधी रहे और कोमलता से हम सबकी आंखें बंद हो, और उसके साथ हम बड़ी श्रद्धा के साथ इस महामारी से ओम ह्रीं नमो लोय सव श्रावणम, क्योंकि बंधु जीवन में अनेक तरह की समस्याएं आती हैं, वो भरे शारीरिक समस्या हो, वो फिर व्यापारिक समस्या आर्थिक समस्या क्यों ना हो, इन सब समस्याओं का समाधान के लिए ओम ह्रीं नमो लोय सव श्रावणम ये जाप हमारे गुरुदेव लोगों को बहुत सारे लोगों को देते थे, और बहुत सारे लोगों को ये जाप के कारण समाधान भी प्राप्त हुआ है। तो इसी जाप को हम स्वयं करेंगे। और आराध्य गुरुदेव विष्णु पितामह सुमति प्रकाश जी महाराज वाचनाचार्य प्रवर उपाध्याय डॉक्टर विशाल मुनिजी महाराज साहब के आशीर्वाद से आप सब लोग इस जाप को क्या करेंगे, करेंगे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव श्रावणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव श्रावणम, नमो अरिहंताणम। नमो लोये ओम ह्रीं नमो लोये सव श्रावणम, 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 ओम ह्रीं नमो लोये सव श्रावणम,
ओम ह्रीं नमो लोहे सब साहुणम, 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 ओम ह्रीं नमो लोहे सब, ओम ह्रीं नमो लोहे सब साहुणम, 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 ओम ह्रीं नमो, ओम ह्रीं नमो लोहे सब साहुणम, 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 ओम ह्रीं नमो लोहे सब साहुणम,
ओम ह्रीं नमो लोये सव साहुणम, ओम ह्रीं नमो लोये सव साहुणम, ओम ह्रीं नमो लोये सव साहुणम, ओम ह्रीं नमो लोये सव साहुणम, ओम ह्रीं नमो लोये सव साहुणम, ओम ह्रीं नमो लोये सव साहुणम, ओम ह्रीं नमो लोये सव साहुणम, ओम ह्रीं नमो लोये सव साहुणम, ओम ह्रीं नमो लोये सव साहुणम, ओम ह्रीं नमो लोये सव साहुणम, ओम ह्रीं नमो लोये, ओम ह्रीं नमो लोये सव साहुणम, 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 ओम ह्रीं नमो लोये, ओम ह्रीं नमो लोये सव साहुणम, 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 ओम ह्रीं नमो लोये सव ओम ह्रीं नमो लोये सव साहुणम, ओम ह्रीं नमो लोये सव साहुणम,
ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणम, 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 ओम ह्रीं नमो लोये, ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणम, 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 ओम ह्रीं, ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणम, 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 ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणम,
ओम ऋ नमो लोये सवसाहुणम 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 ओम ऋ नमो लोये ओम ऋ नमो लोये सवसाहुणम 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 नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो प्रियाणम नमो वजायाणम नमो लोये सव नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणां नमो आयरियाणां नमो लोये सवसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणां नमो वजायाणां नमो लोये सव केशो पंचनामोकारो सव पावपणासनो मंगलाणंच सवेसि परम महावै मंगलम मंगलाणंच सवेसि परम महावै पल पंच परमेष्ठी भगवान की शासनपति शरण भगवान महावीर स्वामी की सभी आचार्य भगवंतों की घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की सरलात्म श्री खूब चंद जी महाराज की संघ संरक्षक गिरिराज स्वामी श्री फूल चंद जी महाराज की उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज बहुत सुंदर रूप में आप लोग ने नमोलोये सवसाहुणम का जाप किया और आराध्य गुरुदेव को श्रद्धा के सुमन समर्पित किए। आप सब लोग कभी कभी बहुत परेशान होते हैं, वो आर्थिक रूप हो, शारीरिक हो या अन्य किसी प्रकार की समस्या से आप लोग दुखी होकर न जाने कौन कौन से स्थान पर आपको भटकना पड़ता है। आज हम इस गुरु निहाल दरबार में बैठे हैं, आज हमने जो जाप किया है निश्चित रूप में अगर आप श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगे तो कम से कम 5 माला प्रतिदिन आपने जपनी है।
बहुत लंबा समय नहीं लगता, 10-15 मिनट के बाद 5 माला प्रतिदिन आप लोग जपेंगे और अगले 8 जुलाई तक आपने 1.25 लाख आपका जाप पूर्ण होगा। और इसके लिए ये नहीं कि 1.25 लाख पूरा होने के बाद भी आपकी अपनी समस्या का समाधान होगा, कभी भी हो सकता है, इतना आप गुरुओं पर विश्वास रखेंगे। तो आप लोग 1 घंटे का मौन और 5 ओम भृंग नमो लोय सब सावणम की माला जपेंगे, ये क्योंकि इस साल के लिए हम आराध्य गुरुदेव को यही दे सकते हैं, यही आराध्य गुरुदेव के चरणों में हमारी श्रद्धा होगी। अगले बार फिर नमो ओम भृंग नमो अरिहंतणम का जाप होगा। आचे वाचनाचार्य प्रवर जैसा कहेंगे वैसा आप सब लोग हाथ जोड़ेंगे, कम से कम 3 माला नहीं तो 5 माला आपने प्रतिदिन ओम भृंग नमो लोय सब सावणम का करेंगे। वाचनाचार्य प्रवर आप सब लोगों को अपने धारण पड़माने हिसाब से प्रत्याख्यान करवा रहे हैं। वाचनाचार्य प्रवर की तरफ से आप सब लोग हाथ खड़ा करेंगे जिन जिन्होंने 1.25 लाख एक साल में पूरा करना, 1200 मालाओं की आवश्यकता होती है। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद आज के इस सफल कार्य के लिए। मैं SS जैन सभा जैन नगर मेरठ का बहुत आभारी हूँ। 2 दिन में ही इस संघ ने इस कार्य को अपने जिम्मे में लिया और बहुत सुंदर रूप में सफल बनाया। और हमारे लिए तो वो कार्यकर्ता भी बहुत महत्वपूर्ण है जिसने आज आकर के माला, एक माला भी उसने जपा हो। हर व्यक्ति से क्या होता है, बंधु एक संघ बनता है, सफल बनता है कार्यक्रम। तो ज़्यादा न कहते हुए अब वाचनाचार्य प्रवर के मुखारविंद से हम आशीर्वचन ग्रहण करेंगे, उसके बाद आराध्य गुरुदेव का आगमन होगा। आराध्य गुरुदेव के मुखारविंद से हम लोग मंगल पाठ श्रवण करेंगे। वाचनाचार्य प्रभु उपाध्याय प्रभु श्री विशाल मुंजी महाराज साहब का आशीर्वचन। श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब हमेशा
स्वाध्याय आदि ध्यान के साथ जाप का बड़ा महत्व तो बतलाते थे, और कोई भी तकलीफ और परेशानी में आते तो कहते भाई थानक में बैठ कर के इसकी 5 माला 10 माला 15 माला तुम जाप करो, 1 घंटा 1.25 घंटा जाप करो। और हम लोगों को भी ऐसी प्रेरणा थी, कभी कोई तकलीफ नगर के अंदर आती थी तब भी वो जाप करवाते थे। बहुत बार तो जैन नगर के चारों कोनों में 24-24 घंटे का, 2-2 दिन का, 3-3 दिन का जाप करवाया। वो कहते थे ये जाप का इतना प्रभाव होता है, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति है, वो सारी की सारी जाप से रुक जाती है। और हमारे जीवन के अंदर एक नई बड़ी बलवान इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, और सभी प्रकार की नकारात्मकता को झेल सकें ऐसी ताकत पैदा होती है। तो जाप की बड़ी प्रेरणा देते थे, जाप की बड़ी प्रेरणा देते थे, खुद भी जाप के अंदर रहते थे, और कोई भी किसी को कोई भी समस्या हो, वो चाहे नमकार मंत्र का, लोगस्य का, उवशग्गर का, या किसी स्वाध्याय का वो जाप देते थे, गाथा वगैरह का जाप देते थे। और जाप करने से ही हमारे समाज में हर व्यक्ति की जो परेशानी है दूर होती थी, क्योंकि जाप का बड़ा महत्व है। और उनके जमाने से ही ये जाप की परंपरा हमारे जीवन के अंदर चल रही है, और महीने के 1 जाप समाज की तरफ से और 5, 6, 7, 8 जाप तुझे उस समाज की तरफ से, अलग अलग व्यक्तिगत परिवार की तरफ से होते थे। उनका ये था भाई कोई भी किसी भी प्रकार की सुख या दुख हो, तुम नमकार मंत्र के जाप का शरणा लो, इससे सब प्रकार की अनुकूलता और सब प्रकार की सहन करने की शक्ति पैदा होती है। तो जाप की बड़ी प्रेरणा देते थे। आज भी आप लोग उस जाप को आगे बढ़ा रहे हैं। 17 घंटे का जाप यहाँ पर दरबार के अंदर, गुरु दरबार में, पंच परमेष्ठी दरबार में चालू है। तो सभी लोगों ने पंच परमेष्ठी दरबार में आकर के जाप में भाग लेने का प्रयत्न करना है। और जिन परिवारों ने चिट्ठी दी है, उनकी चिट्ठी निकाल करके जो भी उनको तारीख मिली है, वही तारीख जाप के लिए दिया जाता है। तो सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक 17 घंटे का जाप चल रहा है, उसमें सभी लोगों ने भाग लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा आने का प्रयत्न करना है। पंच परमेष्ठी दरबार के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है। अगर ये थानक में आकर के आधा घंटा 1 घंटा भी जाप करते हैं तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसका भी बड़ा ध्यान रखना है। और वैसे तो समाधि में प्राय करके बहुत लोग रात को 1-1, 2-2 बजे तक जाप करते हैं। ये जाप की साधना अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत शांति प्रदान करने वाला है, सब प्रकार का समाधान देने वाला है। इसलिए जब कभी भी कोई तकलीफ हो तो हमारे को जाप का शरणा जरूर लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। और किसके लिए किस समय कौन सा जाप करना है, उसका कभी आप लोग आएंगे, कभी पूछेंगे, तो समाधान भी हम करने का प्रयत्न करेंगे, जिससे आपके घर में, परिवार में सब प्रकार की सुख शांति, आनंद मंगल का वातावरण रहे। वैसे समय समय पर सामूहिक रूप से हम जाप बतला ही देते हैं, भाई महीने भर का जो है जाप संक्रांति के अंदर बतला देते हैं, फिर साल भर का जाप जो नए वर्ष के अंदर भी बतला देते हैं, जिससे हर आदमी को आकर के पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप जाप करके अपने जीवन को सुख शांति पूर्वक आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपके जीवन में, आपके घर में, आपके संघ में सब प्रकार की सुख शांति आनंद मंगल रहे, ऐसी हमारी हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। और 1 घंटे का ये सारा कार्यक्रम मंगल पाठ का संपन्न हुआ है, और आज जो है भंडारे का भी आयोजन है, गुरु सुमति विशाल सेवा समिति की तरफ से जो भंडारे का आयोजन है, क्योंकि हमारे परिवार के 2 सतियों का पिछले 8 जून को जो है अचानक उनका दुर्घटनाग्रस्त होकर के देवलोक गमन हुआ, ये हमारे लिए बहुत दुखद घटना है।
और पूरे देश में आज पूरे देश में नवकार मंत्र का जाप और करीमन करीमन 100 से ऊपर जगह पर भंडारे का आयोजन रखा जा रहा है। और ये कार्यक्रम समय समय पर आप लोग करते रहते हैं, सहयोग देते रहते हैं, सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं। ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब संघ की तरफ से संघ का कार्यक्रम है वो संपन्न करेंगे। संपन्न करने के बाद आज का मंगल पाठ आराध्य गुरुदेव की तरफ से ही आपको देंगे। अगर गुरुदेव भगवंत पधार गए तो उनके मुखारविंद से मंगल पाठ होगा, अगर नहीं पधारे उनको अनुकूलता नहीं रही तो जो है उनकी तरफ से आपको मंगल पाठ देंगे। वैसे हम सब ने मिल करके वो मंगल पाठ 1,25,000 जाप कर लिया है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से एक बार बोलेंगे, मिलता है मिलता है प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है श्रीमान दर्शनलाल जी जैन परिवार जो अभी लुधियाना में रहते हैं, रायकोट वाले हैं, गुरुदेव के परम भक्त हैं। शुरू से ही यहाँ पर कई कई चक्कर उनके लगते हैं, आज भी दर्शनार्थ आए हैं। पूरे परिवार को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। दिल्ली से श्रीमान नरेश चंद जी जैन जो परम गुरु भक्त हैं वो भी परिवार सहित आए हैं। श्री अनिल जी जैन वो भी दिल्ली से यहाँ पर पधारे हैं। तो जो है वो आए हुए सभी हमारे अतिथियों को, सभी भाई बहनों को, सभीयों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं। आराध्य गुरुदेव शुरू में पधारे, वैसे पधारने की स्थिति तो नहीं थी, कल भी उनकी तबीयत थोड़ी सी नरम गरम हो गई थी। और किसी भी समय कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि बम्बई में मैंने डॉक्टरों से जिस समय पूछा था भाई क्या बात है, गुरुदेव को इतनी तकलीफ क्यों है, उन्होंने कहा गुरुदेव में हाथ में जो बल्ब है ना उस कमज़ोर इतना हो गया है, उसका ऑपरेशन होता है लेकिन ऑपरेशन तो हम कर नहीं सकते, लेकिन उनको जितना साता पहुंचाओगे, जितने आराम से रहेंगे उतना ही उनका जीवन अच्छी तरह से चलेगा, इसलिए हम किसी तरह का जोर नहीं देते। और सुबह भी जैसे ही थोड़ा सा कहा हम जा रहे हैं बाहर, तो गुरुदेव पनारे यहाँ पर एक घंटे तक बैठे। उतना बैठना, दर्शन देना, यही गुरुदेव का अनंत अनंत उपकार है। अभी तो थकावट है, अंदर गुरुदेव विराजमान है और ये वो तो अभी आने की स्थिति में नहीं है। अब जय संघ की तरफ से सूचनाओं के बाद मंगल पाठ होगा। संघ की तरफ से आगे की सूचनाएं, आज के एकासनों का प्रत्याख्यान, किसी भी भाई बहन का आज का एकासन अभ्यासना हो, एकासन अभ्यासन का प्रत्याख्यान, आज के एकासन अभ्यासन का बचकान आज के आयम मिल का प्रत्याख्यान, अगर किसी भाई बहन का आयम मिलो आज के आयम मिल का बचकान अरियंत सिद्ध ग्रंथ, आज के तिव्यार उपवास का प्रत्याख्यान, जिन भाई बहनों का तिव्यार उपवास हो आज के तिव्यार उपवास का बचकान, आसनम खाम सामण थम सह सगरण में तगरण सब समय वत्यान त्याग बो सरे आपकी नाश्ते एवं भोजन
आपको विदित आज गुरुदेव ने भी बताया है 8 जुलाई का दिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और गुरुदेव का गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए या गुरुदेव जो मंगल अपना जाप करते थे आज हमने 1.25 लाख का जाप यहाँ पर संपन्न किया। यह सभी जैनल की जितनी भी सहयोगी संस्थाएं हैं उन सबके सहयोग से यहाँ संपन्न हुआ। विशेष रूप से जैन युवा परिषद, परिवर्तन गुरु श्री शांति संघ, परमेश्वरी फाउंडेशन, इन सभी के सदस्यों ने आप सभी के घर में जाकर नाम लिखे तो उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और आज जो 5 जगह है वो श्री एस एस जैन सभा डिस्ट्रिक्ट जयनगर मेरठ द्वारा चांदी के सिक्के यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। प्रवचन के बाद जाप मंगल पाठ के बाद प्रधानता का वितरण भी श्री एस एस जैन सभा डिस्ट्रिक्ट जयनगर मेरठ द्वारा यहाँ पर संपन्न होगा। सुनैना जैन 21 से 98 नंबर सचिन जैन आनंदपुरी 282 नंबर 282 संपदा जैन 60 402 नंबर ईशा जैन 53 सी अशोक जैन 53 सी तीन चांदी के सिक्के गुरु भक्त परिवार द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं वो भी अलग से यहाँ पर निकाले गए। 3 पर्ची 2 पर्ची होनी चाहिए। रिया जैन 117 सी सविता जैन सुनीता जैन देवपुरी 393 नंबर चातुर्मास के प्रारंभ से ही 17 घंटे का नमकार महामंत्र का जाप कार्यालय वाले कक्ष में चल रहा है। आज का जाप श्री श्रीपाल वल्लभ कुमार जैन 184 परिवार, श्री जोगिंद्र लाल मनमोहन जैन 29 शिल्पी टेलर परिवार की तरफ से किया रखा गया है, संचालित किया जा रहा है। कल का जाप मिलेनियम क्लब की तरफ से संचालित किया जाएगा। आप सभी से निवेदन अधिक से अधिक जापों में अपनी उपस्थिति बनाकर धर्म लाभ कमाएं। और जिन्होंने अभी तक 17 घंटे के जाप में अपने नाम नहीं दिए हैं वो भी जल्द से जल्द अपने नाम दे दें। पंद्रह जुलाई तक के जाप यहाँ पर निकाले जा चुके हैं। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक के जाप जिनकी भी पर्ची आज निकलेगी वो यहाँ पर अभी आपके सामने नाम सबके दिए जाएंगे। सोलह
आज आपसे पूछते हैं आज का जाप कौन सा है। हमने बहुत बार प्रेरणा दी है, कोई आते हैं कोई नहीं आते हैं, किसी को याद रहता है नहीं रहता, तारीख के हिसाब से तीर्थंकरों का जाप जरूर घर के अंदर होना चाहिए। जो तारीख हो उसी नंबर के तीर्थंकर का जाप, ये जो है आप लोग गांठ बांध करके रख लें। एक माला तीर्थंकर का अपने घर में जरूर कर लेना चाहिए, जिससे सब प्रकार की सुख शांति रहे। तो आज का जाप है श्री चंद्र प्रभु भगवान को वंदन बारंबार, श्री चंद्र प्रभु भगवान को वंदन बारंबार, श्री चंद्र प्रभु भगवान को वंदन बारंबार, श्री चंद्र प्रभु भगवान को वंदन। चैतावारमासं चगवट्टी मज्जियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनोत्तरम, श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्तम अरिहंता लुगुत्तम सिद्धा लुगुत्तम साऊ लुगुत्तम केवली प्रतो धम्मो लुगुत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साऊ शरणं पवज्जामि केवली प्रणत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई, जो भव प्राणी करे आराधन उसका